स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. यानी कि ह्यूमन बीइंग के जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हम लोग क्वालिटी है लाइफ की उसको मेंटेन करके रखने के लिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज की ज़रूरत है. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, नेचर से हमें फ्री में मिले हैं. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. जब कोई चीज़ बहुत फ्री में मिल जाती है ना, जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता, लोग उसके लिए बहुत, फिर उसको बहुत ही कहते हैं ना ग्रांटेड लेने लगते हैं. उनको लगता है कि चलो ये चीज़ तो रहेगी. अब कोई चीज़ अगर महंगी है उसके लिए एकदम रहते हैं कि नहीं ये तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो उसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई हैं. उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल. रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि एक होता है ना ज़रूरत को तो रिसोर्सेज पूरा कर सकते हैं बट लालच को पूरा नहीं कर सकते. और यही हो रहा है, जो ह्यूमन लालच है, जो भी उनका मतलब खुद का पर्सनल ग्रीड है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हाफ्स एंड हैफ नॉट और रिच एंड पुअर. यानी कि रिसोर्सेज इस तरह से बट चुके हैं कि जिनको, जिनके पास पैसा है, जो कर पा रहे हैं उनको तो काफ़ी मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है. एक और चीज़ें आगे पढ़ते हैं. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. ये रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, यानी बिना सोचे समझे जो एकदम एक्सप्लॉयट किया गया है रिसोर्सेज को, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं. वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ग्लोबल वार्मिंग. जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है. ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़राब हो रही है, मतलब कि उसमें होल हो रहा है. इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है और लैंड भी ख़राब हो रहा है. एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. अगर हम चाहते हैं कि आगे सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब ढंग से रह सकें, जो चीज़ें आज हमें मिल रही हैं आगे भी मिलें, ग्लोबल पीस बना रहे, उसके लिए ज़रूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है. क्यों? इक्विटेबल मतलब होता है जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो. फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास सब कुछ है, अब आप उसको देते जाओगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है. बट हमें क्या करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करें. उसके बाद है, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड अ कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर. ये जिस तरह से क्या हो रहा है, हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल के द्वारा, कुछ कंट्रीज़ वगैरह के द्वारा, कि वो अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर रही है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो ख़तरे में आ जाएगा. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो किस चीज़ की ज़रूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की. रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करा जाए, प्लान करके यूज़ किया जाए कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो. नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. सस्टेनेबल मतलब होता है हमारी जो जनरेशन है आज की, प्लस जो हमारी आने वाली जनरेशन है, दोनों को मिले. आज इस तरह से यूज़ किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे. नाउ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब ये सस्टेनेबल वे में हमें चीज़ आगे मिलेगी, वो किस पर डिपेंड करता है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो प्रॉपर. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं क्या है. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. यानी कि development इस तरह से हो कि environment को कोई damage ना हो, and जो भी present में development है वो future generation की need को hamper ना करे. मतलब कि आप ऐसा ना करो कि सारा resource आज use कर लो, future के लिए कुछ बचे ही ना. हमें development इस तरह करनी है कि आज के लोगों को भी फ़ायदा हो और future में जो हैं उनको भी फ़ायदा हो. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की बात करते हैं. 1992 में हुआ था, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील.
हर स्टेट के कुछ 100 मतलब उससे ज़्यादा ही लोग मिले थे। कहाँ पे? ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ये समिट क्यों होता है? इसके अलग अलग समिट हुए हैं बट अभी इसकी बात करते हैं। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ऐसी जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट होती हैं, तो इश्यूज डिस्कस होते हैं अर्थ वगैरह से रिलेटेड के। अर्थ समिट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस की हुई थी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो रही है, जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें, प्लस डेवलपमेंट। लाइक हमें ध्यान में रखना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी और ध्यान रखना है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जितने भी लीडर वहाँ आए थे उन्होंने क्या किया, डिक्लेरेशन होता है जो उन्हें साइन करना होता है, मतलब वो अपनी सहमति देते हैं कि हम इस चीज़ में आपके साथ हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे उन्होंने डिक्लेरेशन पे साइन किया था, तो वो अपनी एक वो देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं इस चीज़ में, जो भी आप एक्शन लोगे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये क्यों किया था उन्होंने? उनका यही था कि एजेंडा 21 एक्सेप्ट मतलब किया था उन्होंने कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, अचीव कर लेंगे, कि कब? 21st सेंचुरी के अंदर। नाउ थोड़ा बहुत एजेंडा 21 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जिसके बारे में ऊपर बात करी, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे कि आगे की जनरेशन को भी फ़ायदा हो। ये एक एजेंडा है जो इन्वायरमेंटल डैमेज जितने भी हो रहे हैं, गरीबी है, डिजीज़ जो फैल रही है, उस सबको कम करना है। ठीक है, किस तरह से? ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा मेन गोल है कि मिलजुल के साथ में अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को संभालना है कि नुकसान ना हो। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का, वो क्या है कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाना है जिसको वो फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है रिसोर्स प्लानिंग, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, कुछ लोगों को काफ़ी मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, प्लस उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा वी स्टडीड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी स्टडी अबाउट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसको आप गूगल भी कर सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, बट इफ़ यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू स्टडी दिस मच। एजेंडा 21 को भी आप थोड़ा सा और अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, बहुत थोड़ा सा पैराग्राफ है। तो ये पार्ट 2 था ज्योग्राफी का, चैप्टर 1 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको 10th क्लास के और वीडियोस देखनी हैं तो मेरे चैनल पे होम पेज या फिर प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपको चाहिए, जो भी अपलोड करती जा रही हूँ वो वहाँ पे मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।